भीख भीख मांग रही है इधर ना दियो। तो मैम मैम आपको जानता हूँ, मैं नाम चैलेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं इस कलर में। मैं मुस्कान ना पागल बना दी। अभी हम जाएंगे सिसाई 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 हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं गांव में। तो कल रात से हमारी तैयारी थी, मगर बच्चों ने धोख लगवा लेंगे, पाए संदीप और आएंगे गोलो, तीनों बच्चों को धोख लग जाती है, पर ना उनका ना कैंसिल हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई। आपको भी पता है जैद भी थोड़ा सा ढीला सा है, अन भी देख लिया हमने। 11:15 किलो प्रसाद मंगा रखा था, 4 पेटी। अब ये चढ़ाना तो जरूरी है, जो प्रसाद भगवान के नाम से आवा है ना, तो प्रसाद का भोग लगाना भी जरूरी है। तो गाइस हम ये लेके आए थे कल डब्बे जो दूध डालने के लिए, अभी इसमें डाल दी जो था, अभी चलते हैं। क्या हो गया, ये सूट अच्छा हो नहीं? सही है, अच्छा है, कलर भी सही है। तो गाइस अभी मेरी ये ड्रेस है और मैं नहा के आ गया, वो डाल लूँगा फटाफट से ड्रेस। मुस्कान भी पूरी रेडी है। ओके मम्मी जी रेडी है, बिल्कुल रेडी। चलो फिर तेरी देरी रह रही, देख मेरा सारा। ओ मैं तो तैयार हूं, चाहे ऐसे देख लो सारा सामान डाल रखा है। ठीक है, लोटा लूटा जब भी हो गया पूरे रेडी, देख लो। और अभी निकल रहे हमारी ड्रम भी आ गया, देखो हम पानी भरेंगे और अभी पी लेते हैं फटाफट चाय। चाय पीने के बाद निकलते हैं। दो पेटी आ गई हमारी, दो पेटी लेके जाएंगे, दो पेटी का भोग उधर लगाएंगे, दो पेटी का भोग इधर, बाकी बांट देंगे। बाइक की चाबी मेरे पास है क्योंकि बाइक पे जाएंगे हम तीन और मम्मी और आएंगे स्कूटी पे। पूरी तैयारी हो गई है, यहाँ पे सामान सुकून सब उठा लिया और घर की चाबी गुम कर दी। ताला किसका लगाओगे, मेरा तेरा क्या? मेरे को पता ही नहीं, मैंने देखी नहीं ताली कैसी थी अपनी। तो चलो मम्मी जी हो गए सभी रेडी, चलो उठा लो आपकी पेटी पार्टी। तो गाइस हो गए दो जने इस पे, तीन जने इस पे, तीन जने इस पे, चलो चले पंप पे आया, पेट्रोल डलवा लेते हैं और हवा भरवा लेते हैं। तो गाइस हम गांव में पहुंच गए हैं, तो इधर हमारा घर साला डेरी जा रहे। तो आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू, ये सारी जो जमीन दिख रही है ना, रास्ते में जाएंगे, मेरे तो कुछ सामान है। हवा में बाढ़ देख लो कैसे ऊपर ऊपर हो गए और हम पहुंच गए हैं मंदिर। आपको अभी अंदर चलते हैं मंदिर में, दर्शन करवा देते हैं और हर एक चीज़ दिखाएंगे जितनी है, और जोड़ भी दिखाएंगे, यहाँ पे भी जोड़ है और गौशाला दिखाएंगे जाते हुए। आज के दिन ना कम भीड़, और देख लो ये कम भी नहीं है, मतलब अंदर तो पूरी लाइन लगी पाएगी। और जैसे कि हम 1 तारीख को आते ना, यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं थी, अंदर तो 4-4 घंटे में नंबर आया था, जो हमारे सिसाई के गए थे उन्होंने बताया 4-4 घंटे में नंबर आए थे। यहाँ पे एक मंदिर और बन रही है, पता नहीं हाथ की कलाकारी, अब तो मशीनें भी आ गई इतनी जो ऐसे डिजाइन चुटकियों में निकाल देती है। मेरे को ये पहले तो हाथ की कलाकारी को धो लिया, अभी हम यहाँ जोड़ में, इधर जोड़ का पानी में, अब मुंह धो पैर धो, जो भी एलर्जी सारी ठीक हो जाएगी। और वहाँ पे देखो गऊ दिखाता हूँ मैं आपको, गऊ सड़क की देखो इतनी सारी है। आज मम्मी जी यहाँ पे खड़ी है लाइन में और हम यहाँ पे सारे अभी बैठे हैं प्रसाद लेके, जब हमारा नंबर है तब हम चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, खड़े इतनी देर से लाइन और बढ़ती चली गई बल्कि। हाँ जी एक काम करो, क्या क्यों बोलो लाइन में लगा रहा भाई 1 घंटे से, ओ मेरे से पीछे था। यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा, यहाँ पे मैच बिछा दिया भाई। तो गाइस हम चलते हैं मुस्कान से पूछने, इधर क्या भीख मांग रही है, क्या कर रही है, देखो यहाँ बैठी है। मुस्कान दीदी क्या कर रहे हो, भीख मांग रही है इधर बैठे बैठे, जैसे हाथ पे लाके कोई भीख दे दे 10-5 रुपए। ये क्या कर रहा है मुगल तू? मैं लड्डू लेके जा रहा हूं। ओ उठ भी नहीं इधर से, तू भाई गिर ना दियो, 15 किलो का तो है तू। ओ मैंने प्रसाद ले रखा है और आपको एक चित्रकारी दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर छत पे ये दीवान का चित्रकारी। और मैं मुझे बड़ा खतरनाक हो गया, अब देखते बारिश ना दे कभी रास्ते में। आपको ये चीज पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये दिए ये देखो इतने सारे, और इन कट्टों में भी दिए हैं। ये यहाँ पे जो दीवा जो तेलबत्ती करते हैं ना उनका, फिर बाद में इसके अंदर दीवा डाल के उनको पूरे तरीके गर्म करके दोबारा से शुद्ध किए जाते हैं। भाई जो नज़ारा 1 नंबर का हो गया और भीड़ भी कम हो गई है, देख लो थोड़ी सी लाइन रह गई। And he gets caught, you'll get pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped.
chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. Hey, जब हमने प्रसादपुर से बांट कर पॉपकॉर्न ले लिया और अभी चलते हैं। क्यों भाई क्यों दूँ? आप पपड़ दे ना। सारे खट्टे हो जाओ। खट्टे हो जाओ खट्टे। तो मैम आपको जानता हूँ मैं आपको दिन सूरज व्लॉग बनाते हो ना। आप सुरजीत मुखल व्लॉग पार्टनर बहुत अच्छे से पहचाना मेरे। पैदल पैदल अकेला जा रहा हूँ घर पे क्योंकि मैंने बीच में ना पानी भर रहे थे, वहाँ से दाल लेनी थी, दाल मैंने मम्मी को दे दी ला के, और दूध दे लेना था वो भी ला के दे दिया। तो भाई जमीन प्रसाद लेकर गए थे चार पेटी, तो तीन पेटी तो हम वहीं पे बांटे हैं, एक पेटी इसलिए बचाई थी क्योंकि यहाँ पे भी जो कली मोहल्ला है ना, मतलब प्रसाद देना होता है ना, फिर करेंगे अगर प्रसाद बांटे, हम प्रसाद नहीं खिलाया नहीं। तो गाइज पवन आया था रात को 10 बजे और पवन भाई का चैनल है पवन देसी ब्लॉग, उनको जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल का। तो गाइज अभी घर पर आ गए हैं और भाई को भूख लग रही थी, हमने खाना वाना दे दिया है और मेरे को नींद आ रही है पूरी जबरदस्त, थक रहा हूँ बिल्कुल, पैर पूर में नींद चढ़ रही है और सुबह ना जल्दी उठ के पार्क में भी गए थे। गाइज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस भैया का नाम है पवन और भैया जी ने नया चैनल खोला है पवन देसी ब्लॉग के नाम से, यूट्यूब पे चैनल है, जल्दी जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके देखिए और फुल मजे लिए जी वीडियो के। भैया बिना मुकुल पेप्सी लेके आया, अभी हम करेंगे चैलेंज। नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? नहीं करते। क्यों? चैलेंज के लिए नहीं मंगवाई, पवन ने बोला मुसी मचा कौन क्यों, तो मैंने ठंडा मंगवाया। सही बात है। तो गाइस एक ग्लास मुकुल ने ले लिया, एक मेरा मुकुल ने अपनी बोतल ले ली, भैया ने ले लिया और अभी हम पी रहे हैं और पीने के बाद फिर हम सो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। हम जा रहे हैं बेड लेने के लिए, थोड़ी सी हमारे फ़ोन में भी दिक्कत है, जैसे बैक कैमरा करके बनाते जब वीडियो सही नहीं बनती, आवाज़ नहीं आती है और जब थोड़ा टेढ़ा करते जब आने लग जाती है। अभी इसको भी दिखा देंगे और कह देंगे अंकल जी को, अंकल जी चेंज कर दो इसको और लेना हमने कोई फ़ोन, देख लेते हैं 10 हो तो 10 भी दिखा देना, 10 11 XS ये 11 देख रहे हैं, 11 इस कलर में, जैसे डब्बे का कलर है ऐसे फ़ोन का कलर है, कुछ ऐसे है। अभी ना हमारा ये जो सैमसंग का फ़ोन था जो ठीक करवाए थे चला नहीं, इसमें वाईफाई नहीं चला, वाईफाई की दिक्कत आ गया, मम्मी की सिम डाल देते हैं इसमें, तो व्लॉगिंग के लिए ये फ़ोन रहेगा। जो अब हम फ़ोन देख के आए थे ना, वो अंकल है जो दूसरे थे, वो अंकल बोले ऐसे है वैसे बदला नहीं जाता। जल्दी आओ। क्या हो गया? हाँ क्या देखूँ, क्या कट 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 कर रहे ये मशीन है, ये क्या तार उछड़ के तो नहीं लग जाएगा, ये देखियो कदे। तो गाइस ये देख लो क्या पंगा करके लाए ऊपर जाके, बैटरी डाउन मशीन की, कुछ नहीं सारा दिन ये करता रहेगा। हाँ भाई तो तेरा ही है। अच्छा तू सारा दिन पंगे करता रहा, तेरे हाथ पैर इसलिए घुटक दे। अभी कुछ ऐसे है, अभी मम्मी जी ने यहाँ पे दलिया बनाया है, देखो अभी बन रहा है मीठा दलिया, ये ये पलटा हम इसीलिए लेके आए थे कोई छोटी चीज के, क्योंकि हमारा पलटा बड़ा था ना, इसी कारण से छोटी चीज के लिए लेके आए थे हम, है ना। दलिया सारा जल गया, नहीं जला, जल गया नीचे वो, ऐसे तो हल्का का तो लगता ही है, मुंह को देख के ये इसका तो छोड़ दे, ये तो पंगा मशीन मोटर लेकर उठा के उठा के बना दिया था। क्या ये यो-यो? ओयो होते यो-यो घूमता है। हां दिखाइयो, घूमता है नहीं, सब्सक्राइबर जो कि चाचू जी से मिलने आया बहुत दूर से, जब मैं ट्यूशन जाता हूँ ना वकील को लेने में, वहाँ से मिलने आया, आपको मिलवा देते ठंडा मिला, पैसे दे दे क्या होगा मम्मी जी मुस्कान, अरे बंद कर दे यार इस तेरी मशीन ने, ये अच्छी मशीन सी किस ना तो आज ब्लॉक चलाऊ कर देगा, ब्लॉक चलाऊ कर देगा, मैं मुस्कान ना पागल बना दी। क्यों और इस तरह बात, मैं मुस्कान ना पागल बना दी क्या था, और इसी बात बताओ है मेरा आसास का पेट भी दुखने लग गया, आशा भी कौन जानता। मैं तो क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मम्मी कह रही मेरे को और मुकुल को ना नानी को जाना हो अकेले, ठीक है, और बस मैं नींद आ गई
मैं कहां पहुंच पाऊंगी, नानी का दूर पाकिस्तान पहुंच पाऊंगी। कौन सा बस स्टैंड पकड़ी हूं, पाकिस्तान की बस भी नहीं मिलती तो से किस सोच रही हो। कोई फोन नहीं कौन दे तेरी शक्ल देख कर कहां से कि चोर है लेगा यार। तो थक दिन बस में नींद आ जाती है, पैर भी उठ जाते हैं जिधर रोकना होते हैं। हाँ, बस रुकते नींद खुल जाती है, इतने दिमाग है। ये ना पता चलो कौन से अड्डे पे अरे बेटा रोटी राटी खान का की मिले होगा कि ना। पैसा हाँ। पैसा लेंगे रोटी नहीं खाई, रोटी खाकर ना फिर मैं बर्तन मांजूंगा, बर्तन रात ना तरका कौन सो मान लो फिर भूख नहीं आज दो बार कर लिए।